चलिए आज हम लोग पढ़ते हैं क्या कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, जो टेंथ का एक बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है। कंट्रोल, हमारा शरीर कैसे कंट्रोल होता है, हमारा शरीर कैसे कंट्रोल होता है और उसे कैसे किस सेल के द्वारा ये कोऑर्डिनेट होता है एक दूसरे में, इसके बारे में हम पढ़ते हैं। कोऑर्डिनेशन, अब चलते हैं हम कोऑर्डिनेशन क्या होता है। कोऑर्डिनेशन, हमारा शरीर जो कंट्रोल होता है वह बहुत सारे सेलों के कोऑर्डिनेशन से होता है, और इसे कैसे कोऑर्डिनेट होता है इसके बारे में हम जानते हैं। कोऑर्डिनेशन दो तरीके से होता है, क्या होता है, केमिकल कोऑर्डिनेशन और इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन। अब चलते हैं केमिकल कोऑर्डिनेशन क्या होता है। इट अकर्स बोथ प्लांट्स एंड एनिमल। ये जो होता है केमिकल कोऑर्डिनेशन, ये हार्मोन्स के द्वारा होता है। क्या होता है, कोई भी सेल, कोई भी टिश्यू क्या होता है, एक हार्मोन सेक्रेट करता है, या कोई भी ग्लैंड क्या होता है, एक हार्मोन सेक्रेट करता है, जिसकी तरह क्या होता है, ये केमिकल कोऑर्डिनेशन होता है। ये प्लांट और एनिमल दोनों में होता है। इट इज़ रिलेटिवली स्लो ए कम्पेयर टू नर्वस सिस्टम, और ये क्या होता है, नर्वस सिस्टम के स्लो होता है। दूसरा है इलेक्ट्रिकल कोऑर्डिनेशन, इसके द्वारा होता है नर्वस सिस्टम, पूरे नर्वस सिस्टम के द्वारा हमारा जो बॉडी होता है वह क्या होता है, कंट्रोल होता है। इस अकर्स ओनली इन एनिमल। देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि इलेक्ट्रिकल जो कोऑर्डिनेशन होता है वो प्लांट में नहीं होता है, सिर्फ और सिर्फ क्या होता है, एनिमल में होता है। इट इज़ वेरी फास्ट, ये क्या होता है, बहुत ही तेज और तीव्र गति से होता है। आइए अब हम लोग पढ़ते हैं क्या है नर्वस सिस्टम। नर्वस सिस्टम आपके NCERT में बहुत डिटेल्स में दिया गया, आरोह पढ़ते हैं नर्वस सिस्टम क्या होता है। नर्वस सिस्टम कोऑर्डिनेट एंड कंट्रोल द एक्टिविटीज ऑफ द एनिमल। नर्वस सिस्टम क्या करता है, कंट्रोल करता है कि कैसे हम खड़ा रहें, कैसे हम क्या कुछ बोलें। अभी जो हम बोल रहे हैं ये भी क्या है, एक नर्वस सिस्टम का ही द्वारा ही क्या कोऑर्डिनेट किया गया है। एक्टिविटीज ऑफ द एनिमल, ये सिर्फ क्या होता है, एनिमल में ही वो कोऑर्डिनेट करता है। द टू मेन सब डिवीजन, नर्वस सिस्टम को दो मेन क्लास में डिवाइड किया गया। फर्स्ट होता है क्या, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम। अब देखते हैं सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या होता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम को फिर दो पार्ट में डिवाइड किया गया, एक होता है ब्रेन, दूसरा होता है स्पाइनल कॉर्ड। हमारा ब्रेन और स्पाइनल कॉर्ड मिलके क्या करता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम का उपयोग करता है। सेंट्रल नर्वस सिस्टम क्या समझते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम मीन्स होता है ये क्या, सेंटर। हमारे बॉडी के सेंटर में कौन कौन सा पार्ट आता है, वह सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आता है। जैसे कि ब्रेन, हम जब खड़े होते हैं, ये हम जब खड़े हुए, मेरा क्या हुआ, सेंटर में ब्रेन आया। ब्रेन के पीछे जस्ट अपोजिट साइड क्या होता है, मेरा ये स्पाइनल कॉर्ड होता है। यानी हमारे सेंटर में जो होता है उसे क्या कहते हैं, सेंट्रल नर्वस सिस्टम। ये दोनों मिलके क्या करता है, हमारे बॉडी को सारी चीज़ को क्या करता है, कंट्रोल किए हुए रहता है। दूसरा है पेरिफेरल नर्वस सिस्टम, विच इंक्लूड्स ऑल नर्वस सिस्टम आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। सेंट्रल नर्वस सिस्टम के अलावा जो भी नर्वस सिस्टम हैं वो सभी किस में आते हैं, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम में। इट इंक्लूड्स क्रेनियल नर्व्स एंड देयर ब्रांचेज। ये क्या करता है, क्रेनियल नर्व्स को भी कंट्रोल करता है, और क्या होता है, एंड देयर ब्रांचेज। अब क्रेनियल नर्व्स क्या हुआ, हमारे फेसियल रीजन, यानी हमारे फेस के रीजन से जो भी नर्व्स निकलते हैं वे सभी किस में आएंगे, पेरिफेरल नर्वस सिस्टम के अंतर्गत आते हैं। पेरिफेरल नर्वस सिस्टम को दो क्लास में डिवाइड किया गया, एक होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम, दूसरा होता है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। आइए अब देखते हैं क्या होता है सोमैटिक नर्वस सिस्टम और ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। सोमैटिक नर्वस सिस्टम, देखिए सोमैटिक नर्वस सिस्टम को शॉर्ट फॉर्म में SNS भी बोलते हैं। द SNS कंसिस्ट ऑफ न्यूरॉन्स, ये क्या करता है, न्यूरॉन्स को कंट्रोल किए हुए रहता है, कंसिस्ट किए रहता है। दैट कंडक्ट इम्पल्स, जो क्या होता है, इम्पल्स को कंडक्ट करता है फ्रॉम सोमैटिक एंड स्पेशल सेंस रिसेप्टर टू द CNS। जो क्या होता है, ये सोमैटिक सेल से क्या होता है, पूरे नर्वस इम्पल्स को कंडक्ट करके क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम को देता है। एंड मोटर न्यूरॉन्स फ्रॉम द CNS टू स्कल्ट द मसल्स, और क्या होता है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम के मोटर न्यूरॉन को ये करता है, ट्रांसफर करता है। द एक्शन ऑफ CNS वॉलंटरी, ये क्या करता है, वॉलंटरी यानी सहायक नर्वस सिस्टम के रूप में कार्य करता है। दूसरा है ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम, ANS। ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम ये एक बहुत ही अलग तरह का नर्वस सिस्टम है, जिसे हम ANS भी बोलते हैं। इसे कंसिस्ट, ये क्या करता है, जब हम इस पर हमारा कंट्रोल नहीं होता, इसका नाम ही पता ही चलता होगा आपको, ऑटोनॉमिक। ऑटोनॉमिक मीन्स होता है सेल्फ, यानी जिसे हम रेगुलेट, मेरा शरीर, जो हमारा माइंड, जो हमारा ब्रेन है, या स्पाइनल कॉर्ड है, या सेंट्रल नर्वस सिस्टम कोई भी है, ये क्या होता है, इस पर इसका कंट्रोल नहीं होता है। जैसे हमारा दिलों का धड़कना, मेरे आँखों का पलकों का झपकना,
इस पे क्या है, हमारा कंट्रोल नहीं है, ये क्या होगा खुद ब स्वतः होती रहता है। इस तरह के नर्वस सिस्टम को हम किस में रखते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में रहते हैं। सेंसरी न्यूरॉन्स दैट कन्वे इन्फॉर्मेशन फ्रॉम ऑटोनॉमिक सेंसरी रिसेप्टर, जो क्या होता है खुद ऑटोमेटिक होती रहता है, उसे किस में रखते हैं, ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम में रहते हैं। मोटर न्यूरॉन्स दैट कंडक्ट नर्व इम्पल्स फ्रॉम द सेंट्रल नर्वस टू स्मूथ मसल्स, कार्डिक मसल्स एंड ग्लैंड ईटीसी इसमें आता है। अब देखिए ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम को दो पार्टों में डिवाइड किया गया है, एक होता है सिंपैथेटिक, एक होता है पारासिंपैथेटिक डिवीजन। अब सिंपैथेटिक क्या होता है, इनक्रीज हार्ट रेट। देखिए सिंपैथेटिक नर्वस सिस्टम बताने से पहले हम इस बात करते हैं, जब हम कोई भी स्नेक वगैरह किसी भी चीज़ को हम देखते हैं तो क्या होते हैं, हम डर जाते हैं। हम डर क्यों जाते हैं, हमारा माइंड एकाएक बोलता है नहीं इससे आप दूर भागो, क्या होता है इससे आप दूर भागो, इससे आप डिस्टेंस दूरी बनाओ, ये स्नेक है मान चलिए ये स्नेक है, तो आप मेरा माइंड बोलता है नहीं इससे दूर जाओ ये काट लेगा। इतना जल्दी रिस्पॉन्स आता है ये, और हमारा हार्ट बीट क्या होता है बहुत तेज़ी से धड़कने लगता है। इस तरह का जो नर्वस सिस्टम होता है वो कौन सा कंट्रोल करता है, ये सिंपैथेटिक डिवीजन ही करता है। ये सिंपैथेटिक डिवीजन क्या करता है, ये ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम का पार्ट है, ये हमारे माइंड को बताता है, यानी हमारे और ये ऑटोमेटिक नर्वस सिस्टम को बताता है कि ये सांप इसे काट लेगा। ये बहुत ही जल्द रिस्पॉन्स देता है और हमारे हार्ट बीट यानी हमारे हेल्प्स इन इमरजेंसी एक्शन, कोई भी इमरजेंसी एक्शन जैसे आग लग गया तो कैसे बोलता है, हम कैसे मेरा दिमाग सोच लेता है कि हमको भागना चाहिए, इसलिए इसे बोलते हैं फाइट एंड फ्लाइट रिस्पॉन्स, यानी ये बहुत ही जल्द रिस्पॉन्स देता है, मतलब सेकेंड भी नहीं लगता और ये अपना रिस्पॉन्स दे बैठता है। दूसरा होता है पारासिंपैथेटिक डिवीजन, ये क्या होता है सिंपैथेटिक डिवीजन, ये क्या करता है, ये बहुत ही स्लो डाउन, ये कूल डाउन है, यानी आप चिल रहो। अब जब हम सांप देख लिए, सांप अगर चला गया, स्नेक चला गया, तो ये हमारे इस बॉडी को बोलता है आप चिल्ड हो जाओ, आप कुछ नहीं होगा आपको, ये चिल डाउन यानी रेस्ट एंड डाइजेस्ट, ये क्या करता है हमारी बॉडी को कंट्रोल करता है, चिल डाउन, इससे कुछ नहीं होने वाला है, आप शांत बन बैठो। इस तरह के डिवीजन क्या कहते हैं, पारासिंपैथेटिक डिवीजन, और जो जल्दी रिस्पॉन्स देता है उसे सिंपैथेटिक डिवीजन कहते हैं। चलिए अब कुछ हम सेंस ऑर्गन के बारे में बात करते हैं, क्या होता है सेंस ऑर्गन। हमारे बॉडी में मेनली पांच तरीके के सेंस ऑर्गन मेनली पाए जाते हैं, ईयर हो गया, नोज हो गया, टंग हो गया, स्किन हो गया, आई हो गया। इस तरह के सेंस ऑर्गन है जिसके द्वारा क्या होता है, हम किसी भी पदार्थ का, किसी भी मैटर का, हमारे एनवायरनमेंट के चारों होने वाली घटनाओं का पता लगाते हैं। ईयर के द्वारा क्या होता है, हम किसी भी साउंड वेव एनर्जी को सुन के हम पता करते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है या क्या पे सॉन्ग बज रहा है या कुछ भी हो रहा है। नोज के द्वारा हम क्या होते हैं, नोज के द्वारा हम किसी भी स्मेल कहीं भी कुछ बन रहा है या अगरबत्ती जल रही है कुछ भी हो रहा है उसके द्वारा हम क्या होते हैं, नोज के द्वारा। नोज का जो रिसेप्टर होता है उसे ऑलफैक्टरी रिसेप्टर भी कहते हैं। कभी कभी एग्जाम में ये भी पूछा जाता है कि सेंस ऑर्गन नोज का जो होता है रिसेप्टर कौन सा होता है, उसे ऑलफैक्टरी रिसेप्टर भी बोलते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। दूसरा टंग, हम कोई भी चीज़ खाते हैं तो उसे टेस्ट करके हम पता चलता है कि ये क्या, उसे हम गैस्ट्रो रिसेप्टर भी बोलते हैं। स्किन हो गया, आई हो गया, ये सब क्या हमारे सेंस ऑर्गन है। स्किन के द्वारा हम कैसे पता करते हैं कि क्या है नहीं है, अगर आज बहुत ही गर्मी है तो किससे पता चलता है, स्किन के द्वारा पता चलता है। ये कप में क्या अगर गर्म चाय रखी हुई है तो कैसे पता चलेगा कि ये गर्म है, जब हम इसको पकड़ते हैं तो ये क्या स्किन हमें इन्फॉर्मेशन देता है कि अभी बहुत गर्म है, आप इसे थोड़ी देर बाद या ठंड होने के बाद पकड़िए। इस तरह का रिस्पॉन्स जो देता है वो क्या होता है, सेंस ऑर्गन होता है। हमारी बॉडी में 5 तरह के सेंस ऑर्गन पाए जाते हैं। अब देखिए एक बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आता है एग्जाम में, कभी भी बोर्ड एग्जाम में पूछा जाता है, व्हाट इज रिफ्लेक्स एक्शन, रिफ्लेक्स एक्शन होता क्या। रिफ्लेक्स एक्शन मेनली आपको बता दें कि ये क्या होता है, क्विक रिएक्शन देता है, यानी आप किसी भी चीज़ को, यानी आप देखिए कोई भी चीज़ आप यहाँ देख लीजिए, आपके एनसीईआरटी में एग्जाम्पल दिया हुआ था उसी पे हम चलते हैं। आप एक गर्म चाय या पानी लेते हैं, आप जब उसे पकड़ते हैं तो आपको लगता है कि बहुत ही क्या है, बहुत ही हॉट है, ये हॉट है, बहुत ज़्यादा हॉट है, तो आप कैसे आपको पता है इसको हाथ तुरंत हटा लेते हैं, ये कैसे होता है। इस तरह समझने के लिए हम देखते हैं क्या है? जब हमारा शरीर उस बर्तन यानी उस कप से सटती है तो क्या होता है, एक हमारे शरीर से क्या होता है तुरंत ये एनर्जी कैसे पहुंच जाता है और हम कैसे डिसाइड कर लेते हैं कि ये तुरंत हमसे क्या होता है, इसे हाथ हटाना चाहिए। देखिए हमारे शरीर में जो इतना भी ये जितना भी होता है नर्वस सिस्टम का जितना भी पार्ट है वो सारी चीज़ को मेंटेन किया होता है हमारा माइंड, क्या होता है ब्रेन कंट्रोल करता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, ब्रेन जो हो वह क्या मास्टर है, यानी वो मालिक है हमारे शरीर का, जो सोचता है थिंकिंग करता है। लेकिन कभी कभी होता क्या है, ब्रेन का मैनेजर होता है क्या, स्पाइनल कॉर्ड। हम नर्वस सिस्टम में बात कर रहे हैं उसमें क्या होता है, मैनेजर होता है स्पाइनल कॉर्ड। कभी कभी स्पाइनल
कभी कभी स्पाइनल कोड बताता है कि आप क्या करें, कभी कभी ब्रेन स्पाइनल कोड को ऑर्डर दिए रहता है कि कोई ऐसा रिस्पॉन्स आए जिससे तुम्हें लगे कि हमारे शरीर को हानि होने वाला है, यानी हमारे शरीर को क्षति होने वाला है, तो तुम मेरे पास मत इन्फॉर्मेशन भेजो, तुम खुद ऑर्डर दे दो उसको कि ऐसा जाके उसे रोक दे। तो जब हम कोई हॉट चीज़ या गर्म चीज़ छूते हैं तो क्या होता है, हमारा जो है ये जो है इन्फॉर्मेशन जाता है किसके द्वारा, ये जो हमारा इन्फॉर्मेशन जो होता है सेंसरी न्यूरॉन के द्वारा जस्ट क्या होता है, यहाँ पे जाता है स्पाइनल कोड के पास। स्पाइनल कोड क्या करता है, ये मैसेज ब्रेन तक पहुँचने से पहले क्या होता है, उसका ऑर्डर दे देता है जाके किसको, मोटर न्यूरॉन के द्वारा, कि जाके आप अपना हाथ हटा लीजिए उससे। इस तरह की जो हम मसल्स को जो हमारा मसल्स जो आर्क बन जाता है हमारे मसल्स में, इस तरह का जो हमारे मसल जो रूप लेता है कि आप न्यूरॉन का जो हाथ हटाते हैं या छूते हैं उसी को क्या बोलते हैं, उसको बोलते हैं रिफ्लेक्स आर्क बोलते हैं। रिफ्लेक्स आर्क ये हो गया, जो हमारा इन्फॉर्मेशन गया उस किस न्यूरॉन से जाता है, सेंसरी न्यूरॉन से, और हमारा जो स्पाइनल कोड जो दिया है न्यूरॉन उसे वो क्या बोलते हैं, उसे मोटर न्यूरॉन कहते हैं। और ये ब्रेन जाने से पहले कौन सा रिस्पॉन्स कौन देता है, वो देता है स्पाइनल कोड देता है ऑर्डर। इस तरह से रिफ्लेक्स एक्शन जो होता है हमें बताता है क्विक रिएक्शन देने के लिए आवर इन्वायरमेंट के कारण। रिफ्लेक्शन वर्ड यूज वेरी कॉमनली व्हेन वी टॉक अबाउट सम सडन एक्शन इन रिस्पॉन्स टू ए समथिंग इन द एनवायरनमेंट। कुछ भी हमारे एनवायरनमेंट में जो घटना घट रही है उसे सडन अचानक सूचना लेने के लिए जो हमारा शरीर जो एक्शन दिखाता है उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्स एक्शन बोलते हैं। जैसे हम बस से जा रहे हैं और बस में आग लग गई तो हम क्या होते हैं, कूद जाते हैं, इसमें क्या होता है, रिफ्लेक्शन एक्शन। ये क्या है, रिफ्लेक्स एक्शन है। और हमारे शरीर में जो मूवमेंट हुआ, हमारे शरीर जो आकार प्राप्त किया उस कूदने के लिए, जंपिंग के लिए, उसे हम क्या बोलते हैं, रिफ्लेक्शन आर्क बोलते हैं। अब हम आगे पढ़ेंगे बहुत ही डिटेल में ब्रेन के बारे में, और जो नेक्स्ट वीडियो मेरा होगा वो ब्रेन पे ही होगा। देखने के लिए थैंक यू।